एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन मेथड्स। सो आज का लेक्चर जो है आपके लिए भी बहुत ही बेसिक लेक्चर ही होगा। सो जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे तरीके से हम जो क्या है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं प्लांट्स के ऊपर इन द सॉइल। सो उन्हीं मेथड्स को कितने मेथड्स पॉसिबल हैं या फिर कितने मेथड्स यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उन्हीं मेथड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपको ऐसे ही लेक्चर्स जो हैं रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो हमारी अपकमिंग वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो गाइस, जैसे मैंने बताया तो हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन मेथड्स। सो यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हो, स्टार्ट इसी तरीके से करेंगे इस लेक्चर की, कि आप जो इमेज यहाँ पे देख रहे हो उसमें बहुत तरीके से बेसिकली स्प्रे करके दिखाया गया है कि हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है, मशीन से कर सकते हैं, नॉर्मल नैपसैक स्प्रेयर से कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली आप स्प्रेइंग एक मेथड देख रहे हो। उसी तरीके से हमारे पास पेस्टिसाइड को अप्लाई करने का बहुत सारा मेथड है, ठीक है। और ये जो मेथड्स हैं यानी पेस्टिसाइड एप्लीकेशन जो मेथड्स हैं वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, लाइक नेचर ऑफ द पेस्टिसाइड, ठीक है। पेस्टिसाइड का फॉर्मुलेशन किस तरीके से किया गया है, मतलब लिक्विड फॉर्मुलेशन है या फिर डस्ट के टाइप में है, मतलब किस तरीके से उसका फॉर्मुलेशन किया गया है, सैंड के साथ मिला के किया गया है। ये उस तरीके से अगर हम बात करें तो थर्ड जो फैक्टर है दैट इज द पेस्ट, जिनको मैनेज करना चाहते हैं तो अलग अलग पेस्ट के लिए जो एप्लीकेशन मेथड है वो भी डिफरेंट हो जाता है। साइट ऑफ एप्लीकेशन, हम उसको सॉयल में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे अलग हो जाएगा, लीफ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे मेथड अलग अप्लाई होगा। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब हम ऐसे जगह पे अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे पानी की कमी है, वहां पे मेथड सेम ही फर्टिलाइजर सॉरी सेम ही पेस्टिसाइड के लिए वो डिफरेंट हो जाएगा, और अगर अवेलेबल है वाटर तो हम दूसरा मेथड भी अप्लाई वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें पेस्टिसाइड के इफेक्ट के बारे में तो वो कैसे, मतलब उसका जो पेस्टिसाइड का जो एप्लीकेशन है, हम कह सकते हैं जो इफेक्ट है वो कब दिखता है हमें, ठीक है। मतलब जो सबसे बेस्ट अगर हमें देखना है किसी पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन में किया है उसका डिजायर्ड यानी बेस्ट इफेक्ट हमें कब दिखेगा, तब हो दिखेगा जब आप उसको एप्रोप्रिएट मेथड को आप यूज करो उस पेस्टिसाइड के लिए और एप्रोप्रिएट टाइम पे यूज किया करो। तो ये दो पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है कि पेस्टिसाइड का जो डिजायर्ड जो इफेक्ट है वो कब दिखता है, जब आप एप्रोप्रिएट मेथड यूज करते हो उस पेस्टिसाइड के लिए, और दूसरा आपका जो टाइम है दैट इज एप्रोप्रिएट, ठीक है। ये नहीं कि अगर हमें पेस्टिसाइड की नीड जो है इमरजेंस पे है और आप हार्वेस्टिंग पे डाल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे पेस्टिसाइड जो है वो अपना इफेक्ट यानी कह सकती है जो अपनी एफिशिएंसी है वो नहीं शो कर पाएगा, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको बताया कि मेथड ऑफ एप्लीकेशन जो है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लाइक नेचर ऑफ द पेस्टिसाइड, फॉर्मुलेशन और पेस्ट टू बी मैनेज, मतलब जिनको जिस पेस्ट को हमें मैनेज करना है, साइट ऑफ द एप्लीकेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। सो इन बेसिकली पांच जो फैक्टर्स जो हैं उनके बेसिस पे हमारे पास जो मेथड्स हैं एप्लीकेशन का पेस्टिसाइड का दैट आर 14। उनमें से जो नेम जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लाइक कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज डस्टिंग, सेकेंड इज स्प्रेइंग, थर्ड इज ग्रैनुलर एप्लीकेशन, फोर्थ इज सीड ड्रेसिंग, फिफ्थ इज सीडलिंग रूट डिप, पढ़ेंगे इस इन जितने भी मेथड्स हैं इन सभी को पढ़ेंगे हम अलग से करके। नेक्स्ट इज सेट ट्रीटमेंट, नेक्स्ट इज ट्रंक या फिर स्टेम इंजेक्शन, नेक्स्ट इज पैडिंग, ठीक है, नेक्स्ट इज स्वैबिंग, उसके बाद आता है रूट फीडिंग, ठीक है, फिर आता है सॉइल ड्रेंचिंग, कैप्सूल प्लेसमेंट, वेटिंग एंड फ्यूमिगेशन। तो ये जो मेथड्स हैं, आप बहुत सारे मेथड्स को आपने कई बार अप्लाई भी किया होगा, ठीक है, आपने कॉलेज लाइफ में, आपने अपने कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल के टाइम पे यानी फील्ड व्यू जो आप फील्ड पे जाते हो तो आपने बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई भी किया है, लेकिन आपको मे बी उनका नाम नहीं पता होगा। आपने बेसिकली जो बहुत सिंपल सिंपल से लाइक ब्रॉडकास्टिंग हो गया, आपने इन छोटे छोटे मेथड्स का, लाइन सोइंग, इन सब का आपने, मतलब सोइंग के टर्म में आपने कुछ नाम सुना होगा, सीड को डिस्पर्स कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग सुना होगा, लेकिन पेस्टिसाइड के लिए आपने बहुत सारे वर्ड्स जो है नहीं सुने हैं, लेकिन आपने मेथड्स अप्लाई किए हुए हैं। सो इन्हीं मेथड्स को आज हम एक एक करके इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि बेसिक टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। सो मुझे सारे टर्म्स को एक बार आपको यानी 14 जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करना है। सो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया दैट इज डस्टिंग, ठीक है। डस्टिंग क्या होता है, डस्टिंग जो है सबसे पहले कब करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। डस्टिंग जो करते हैं बेसिकली मॉर्निंग आवर्स में करते हैं,
ठीक है। और जब लाइट एयर सॉरी जो एयर का स्ट्रीम है वो हल्का होना चाहिए, मतलब तेज हवा ना चल रहा हो, ठीक है। इट कैन बी मैनुअली डन और यूजिंग डस्टर्स, मतलब हम इनको मैनुअली भी कर सकते हैं डस्टिंग, और हम डस्टर्स के यूज से भी कर सकते हैं। डस्टर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, जिससे हम डस्ट जो बनाया जाता है, फॉर्मेशन जो बनाया जाता है इन फॉर्म ऑफ डस्ट, उसको स्प्रे करते हैं। तो ये रहा डस्टर, ठीक है। ये मैनुअली छोटे से इक्विपमेंट के साथ जो है इसको हम फील्ड में ले जाते हैं और यूज करते हैं। और बड़े फील्ड के लिए बेसिकली आप देख लो डस्टर इस तरीके से भी, मतलब जो हमारा जो प्लेन है उसके हम विंग्स पे लगा देते हैं और वहां से भी स्प्रे करते हैं। तो इनको मैनुअली भी किया जा सकता है और डस्टर्स विद द हेल्प ऑफ डस्टर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सम टाइम डस्ट कैन बी अप्लाइड इन सॉइल, कभी कभार ये जो डस्ट है आप देख रहे हो बेसिकली, कैसे आपको लग रहा है ये डस्टर्स जो है पूरा लीफ वगैरह के ऊपर हर जगह लैंड वगैरह पर सब जगह अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हर जगह जाएंगे। तो जो मेन पर्पस है ये डस्टर्स का वो लीफ वगैरह के ऊपर हो गया, यानी फॉलियर फॉलियर स्प्रे के लिए है, लेकिन इनको कई बार हम सॉयल में भी अप्लाई करते हैं ताकि जो सॉयल इंसेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। डस्टिंग इज चीपर एंड सुटेड फॉर ड्राई लैंड क्रॉप पेस्ट कंट्रोल, तो याद रखना है जो डस्टिंग है वो एक चीपर मेथड तो है ही, साथ साथ सुटेड फॉर ड्राई लैंड क्रॉप, ठीक है। तो वहां पे जो ड्राई लैंड के क्रॉप्स हैं उनके ऊपर में अगर पेस्ट लगता है उनको कंट्रोल करने में हम बेसिकली डस्टिंग जो है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज स्प्रेइंग, ठीक है। स्प्रेइंग क्या है? स्प्रेइंग बेसिकली आप क्या करते हो, आपको अगर कोई इंसेक्टिसाइड मिलता है आप उसका ये बनाते हो, क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में मतलब पानी में उसको डिजोल्व करके उसका एक रेशियो बनाते हो जिसको आप अप्लाई करते हो अपने क्रॉप के ऊपर में। सो स्प्रेइंग इज नॉर्मली कैरिड आउट बाय मिक्सिंग, ठीक है, फॉर्मुलेशंस इन वाटर। आप ईसी और डब्ल्यूपी किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मुलेशंस बेसिकली फॉर्मुलेशंस के टर्म्स हैं, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्प्रेइंग, फर्स्ट है हाई वॉल्यूम स्प्रेइंग, सेकंड इज लो वॉल्यूम स्प्रेइंग, और जो थर्ड है दैट इज अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग। इसमें क्या डिफरेंस है, आप ड्रॉपलेट साइज देखो, सबसे पहले 150, 70 से 150 और फिर 20 से 70, ठीक है, ये माइक्रोमीटर्स के टर्म में, ठीक है। तो ये एक तो ड्रॉपलेट साइज हो गया, दूसरा स्प्रे फ्लूड जो है वो लिक्विड कितना एकड़, मतलब कितना हाई वॉल्यूम हमने कहा है, तो बेसिकली 200 से 400 लीटर पर एकड़, ठीक है। ये जो है 40 से 60 लीटर पर एकड़, और ये 2 से 4 लीटर, ठीक है। एरिया जो है ज्यादा एरिया बेसिकली किसमें कवर होगा, जो अल्ट्रा लो वॉल्यूम में मतलब हमने कम स्प्रे किया है तो ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। एरिया कवर पर डे अगर बात करें 2.5 एकर्स, 5.6 एकर्स और 20 एकर्स है, ठीक है। और लास्ट अगर बात करें किस तरीके से यूज किया जाता है, तो स्प्रे करने के लिए स्प्रेयर्स का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देखो ये जो आपको स्प्रेयर यहाँ दिख रहा है दैट इज नैपसैक स्प्रेयर, इसको पीठ पे रख के फार्मर्स जो है, और एक पंप होता है इसमें, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो ये जो है ना ये ब्लैक वाला ये पंप करता है, और यहाँ से जो है नोजल से जो फॉर्मुलेशन है वो स्प्रे करके मतलब वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में एटमोसफेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहां पे मतलब फॉलियर स्प्रे में ये बेसिकली काम आता है। तो ये और यहाँ पे आप एक और तरीका देख रहे हो, ये तो हमारा मैनुअली हो गया, दूसरा ट्रैक्टर्स के हम मदद से भी बहुत लंबे मतलब बहुत बड़े बड़े एरिया यानी लैंड पे भी इस तरीके से हम कर सकते हैं स्प्रेइंग, ठीक है। तो स्प्रेइंग बेसिकली हम लीफ के ऊपर ही करते हैं, ठीक है, एंड इसका भी हेल्प जो है दैट इज इन दी फॉलियर स्प्रे। आई होप जो डस्टिंग और स्प्रेइंग मेथड है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है दैट इज ग्रैनुलर एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में हम एप्लीकेशन करते हैं। अब ग्रैन्यूल्स क्या है और इनका मेथड ये मेथड जो है क्यों यूज किया जाता है, तो ग्रैनुलर एप्लीकेशन हम उन पेस्टिसाइड्स का करते हैं जो हाईली टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, और उनको सेफली हैंड किया जाता है, हैंडल किया जाता है, क्योंकि ये ग्रैनुल्स के फॉर्म में ज्यादा टॉक्सिक हैं। तो ग्रैनुलर एप्लीकेशन उनके लिए किया जाता है जो हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स होते हैं। ग्रैनुल्स को अप्लाई करने के लिए हम डायरेक्टली सॉइल में या फिर प्लांट पार्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। उनका बहुत सारा मेथड है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब नॉर्मली आप जो मेथड ये देख रहे हो ये नॉर्मली ब्रॉडकास्टिंग है, मतलब कोई एक फिक्स रेशियो नहीं है, आप जनरली हाथ में लेके छिड़क देते हो सारे डायरेक्शन में, इवनली आपने डिस्पर्स कर दिया। नेक्स्ट अगर बात करें मतलब ये जो मेथड है ये डायरेक्ट सॉइल में है, ठीक है, सॉइल में ग्रैन्यूल्स है ना, तो देखिए सॉइल में और प्लांट पार्ट पे जिसमें नीड होती है वहां पे हम बेसिकली इनका यूज करते हैं। दूसरा है इनफर्रो एप्लीकेशन, ठीक है, इनफर्रो एप्लीकेशन क्या है, ग्रैन्यूल्स आर अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग इन फरोज इन बेड्स, ठीक है, एंड कवर्ड विद द सॉइल बिफोर इरिगेशन। कहने का मतलब है इनफर्रो एप्लीकेशन क्या है, हम फरोज हम जानते हैं, आप यहाँ पे देखो मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ, ये हम बनाते हैं फरो एंड रिजेस, राइट, ठीक है।
तो हम ये जो फर्रोज है ना, यहाँ पे इनको अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली यही हमारा फर्रो एप्लीकेशन, इन फर्रो एप्लीकेशन। थर्ड है साइड ड्रेसिंग। साइड ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, आफ्टर जब प्लांट स्टैब्लिश कर जाता है तो हम उसको, मतलब स्टैब्लिश जब कर चुका है प्लांट, ठीक है, उस टाइम पे ग्रेन्यूल जो है उनको अप्लाई करते हैं थोड़े दूर पे, यानी जो फरो है बेसिकली, इसको भी अप्लाई फरो में ही करोगे। साइड ड्रेसिंग कहाँ करते हैं, फरोज में करते हैं। ऐसे नहीं कि प्लांट के ऊपर हमने रख दिया फिर रूट पे रख दिया, ऐसा नहीं है। जब प्लांट स्टैब्लिश कर जाता है तो ग्रेन्यूल्स को अप्लाई करते हैं थोड़ा दूर प्लांट से, अप्रोक्स 10 से 15 सेंटीमीटर दूर फरो में ही, ठीक है। तो ये इन फरो एप्लीकेशन का ही एक टाइप हो गया, साइड ड्रेसिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट इज दी स्पॉट एप्लीकेशन। स्पॉट एप्लीकेशन आपको नाम से ही लग रहा होगा, ये बेसिकली किसी स्पॉट पे किसी प्लेस पे किया जाएगा। तो ग्रेन्यूल्स जो हैं, अब अप्रोक्स अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 5 सेंटीमीटर अवे और 5 सेंटीमीटर डीप जो है प्लांट के साइड में, इनको जहां पे नीड होता है वहीं पे इनका एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि आपको 10 प्लांट आपने एक रूम में लगाया हुआ है और आपको चौथे नंबर पे वहां पे दिख रहा है कि वहां पे कमी है, या फिर वहां पे हम कह सकते हैं पेस्ट एप्लीकेशन, मतलब पेस्ट जो है तीसरे चौथे पेड़ पे ज्यादा आपको दिख रहे हैं, पौधे पे ज्यादा दिख रहे हैं, तो आप वहीं पे अप्लाई करोगे, दैट इज दी स्पॉट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ इंसेक्टिसाइड जो रिक्वायर्ड है उसको कम कर देता है, यानी इंसेक्टिसाइड का जो यूज है उसको कम कर देता है स्पॉट एप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज द रिंग एप्लीकेशन, ठीक है। आप यहाँ पे, वैसे मैं आपको इमेज से भी दिखाऊं तो देख रहे हो रूट जोन एरिया में हम इसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा रूट जोन एप्लीकेशन हो गया, डायरेक्ट रूट के एरिया में ही इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिंग एप्लीकेशन, तो रिंग एप्लीकेशन क्या है, ग्रैन्यूल्स जो है उसको हम कह सकते हैं कि हम रिंग के फॉर्म में, मतलब ट्रीज के अराउंड, उनको रिंग के फॉर्म में ही अप्लाई कर देते हैं, दैट इज सिंपल रिंग एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको अगर डायग्राम से समझाना चाहूँ तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पौधा हमने प्लांट लगाया है या फिर कोई ट्री है और उसमें पेस्ट लग रहा है, तो इसके अराउंड पे हम एज ए रिंग के फॉर्म में क्या कर देते हैं, पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन कर देते हैं, दैट इज रिंग एप्लीकेशन, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट रूट जोन एप्लीकेशन के बारे में, तो ये वाला इमेज जो आप देख रहे हो, ये दैट इज डायरेक्टली हमने रूट जोन में ही उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है, दैट इज रूट जोन एप्लीकेशन, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है, दैट इज लीफ रोल एप्लीकेशन। इसमें आप बेसिकली लीफ रोल किसको कहते हैं, जैसे आपने कोई कोई ऐसे लीव्स देखे होंगे जो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, उनका सेंटर एक जगह पे मिलता होता है, ये सारे लीव्स हैं, ठीक है। सो ये जो रीजन है ना, दैट इज कॉल्ड लीफ फोल्ड, बीच का जो पार्ट है वहां पे हम अप्लाई करते हैं। तो आप ये वाला जो इमेज देख रहे हो ना, ये दैट इज दी लीफ होल एप्लीकेशन, यहाँ पे हम बीच में अप्लाई करते हैं लीव्स के बीच में, ठीक है। और लास्ट जो है प्रेलिनेज है, ठीक है, प्रेलिनेज कहते हैं, ठीक है, तो आप इसको प्रलाइनेज कह लीजिए, जो जिस तरीके से भी है। सो ये कुछ मेथड्स हैं ग्रैनुलर एप्लीकेशन का। अगर आप प्रलाइनेज के लिए अगर आप कुछ बोलिएगा, तो इसमें क्या है, बेसिकली द सरफेस ऑफ बनाना जो होता है, बनाना सकर्स जो होते हैं उनको हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। द सकर इज डीप इनटू वेट क्ले स्लरी, ठीक है, आपने ये देखा नहीं होगा, बेसिकली जो बनाना का सकर होता है जिससे हम बनाना को प्रोपोगेट करते हैं, उसको डीप मतलब डुबोया जाता है भींगे हुए या वेट जो क्ले स्लरी। स्लरी मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम एक गोबर को लेके या जो काउ डंग होता है उसका भी स्लरी बनाते हैं, तो क्ले मिट्टी का स्लरी बना लिया जाता है गीला, ठीक है, उसमें हम डीप करते हैं सकर को, ठीक है। और उसमें क्या मिला होता है मिट्टी में, बेसिकली कंप्लीटली मिट्टी नहीं है उसमें, कार्बोफ्यूरान 3G हो गया, वो सारी चीजें, यानी कहने का कोई ना कोई पेस्टिसाइड जो है मिक्स होता है। इससे क्या फायदा है, बेसिकली जो आठवां जो हम पढ़ रहे हैं, आठवां जो पॉइंट है, दैट इज ये हम यूज करते हैं नीमेटोड जो है ना, जो बरो करते हैं, बरोइंग जो होता है नीमेटोड्स के द्वारा सॉइल में, इस बरोइंग को रोकने के लिए ये जो मेथड है इसका एप्लीकेशन किया जाता है। सो गाइज, आई होप जो आपको ये ग्रैनुलर एप्लीकेशन है वो समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं आपको एक बार क्लियर थोड़ा सा कर देता हूँ। हमने जो तीन मेथड्स पढ़े हैं, डस्टर्स भी जो है हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, बेसिकली आप देख रहे हो एयर में अप्लाई किया जा रहा है तो हर जगह ही अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्प्रेइंग, तो ये भी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है, तो ये हर जगह चला जाएगा, आप स्प्रे कर रहे हो बेसिकली इनको। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, टारगेट जो होता है हमारा फॉलिएज ही होता है, ठीक है। थर्ड जो हमने बात किया, दैट इज ग्रैनुलर एप्लीकेशन, तो ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में है और ऐसे पेस्टिसाइड्स के लिए यूज किया जाता है जो ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। सो इनको बहुत ही प्रॉपरली सेफली हैंडल करना पड़ता है, और इनके जो 8 मेथड्स हैं इसके अंदर में भी ग्रैनुलर एप्लीकेशन में, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज दी सीड
प्लेटिंग कहते हैं या फिर सीड ड्रेसिंग कहते हैं। ये आपने देखा भी होगा, बेसिकली ये फंगीसाइड्स के साथ हम करते हैं ऐसा। द इंसेक्टिसाइड इज मिक्स्ड विद द सीड बिफोर सोइंग। जो इंसेक्टिसाइड है उनको सीड के साथ मिला दिया जाता है सोइंग के पहले। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सॉर्गम सीड्स आर ट्रीटेड विद क्लोरोपाइरीफॉस 4 ml पर kg इन 20 ml ऑफ वाटर एंड सेट ड्राइड टू कंट्रोल दी सूट फ्लाई। बेसिकली जो सॉर्गम सीड्स हैं उनको सूट फ्लाई से बचाने के लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस 4 ml पर kg ऑफ दी सीड्स में मिलाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ यूज किया जाता है इन 20 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। और उसको फिर अल्टीमेटली हम लास्टली क्या करते हैं, इनको ड्राई कर देते हैं, सेट ड्राई करते हैं, सन में डायरेक्ट नहीं तो सेट ड्राई कर देते हैं। दूसरा वैसे ही है, द कार्बो के फ्यूरेन 50 SP इज डायरेक्टली यूज टू ड्राई इज यूज एज ड्राई सीड ड्रेसिंग इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट सॉर्गम सूट फ्लाई। उसी तरीके से कार्बो फ्यूरेन 50 SP भी यूज किया जाता है। तो देख लो आप यहाँ पे यहाँ क्या किया जा रहा है, एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है, इसके अंदर हम सीड्स को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और इन सीड ये जो ट्रीटेड सीड्स हैं इनको हम ले जाके फिर प्लांट मतलब हम इनको सो कर देंगे। तो ये हमारा सीड ड्रेसिंग मेथड है, और आपने ये मेथड आपने अप्लाई करते हुए भी देखा होगा या फिर आपने अप्लाई भी किया होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज सीडलिंग रूट डीप, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है। इसमें क्या है, पहले हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इट इज फॉलोड टू कंट्रोल अर्ली स्टेज पेस्ट। सबसे पहला ये अर्ली स्टेज पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। एग्जांपल में इन राइस टू कंट्रोल दी सकिंग पेस्ट एंड स्टेम बोरर्स इन अर्ली ट्रांसप्लांटेड क्रॉप ए सैलो पिट लाइंड विद द पॉलीथीन शीट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ठीक है। टू दिस 0.5 kg ऑफ यूरिया इन 2.5 लीटर ऑफ द वाटर एंड 100 ml ऑफ क्लोरोपाइरीफॉस इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर प्रिपेयर्ड सेपरेटली एंड पोर्ड, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे ये रीजन एक बना लेते हैं, ठीक है। इनमें ये कॉम्पोजिशन जो हमने मेंशन किया है यूरिया का और दूसरा क्लोरोपाइरीफॉस का, ये हम अलग अलग सेपरेटली मतलब बना लेते हैं, ठीक है। दिस सॉल्यूशन इज मेड अप टू 50 ml विद वाटर एंड द रूट्स ऑफ द सीडलिंग्स इन बंडल्स, अब देख रहे हो बंडल्स में बनाया गया है, ठीक है, सीडलिंग्स को, ठीक है, आर डीप फॉर 20 मिनट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। और जब इनको 20 मिनट तक यहाँ रख लेंगे उसके बेसिकली इनको ले जाके हम फील्ड में डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये सीडलिंग रूट डीप मेथड ये है, ये भी एक मेथड है जिससे हम पेस्टिसाइड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सोइंग के टाइम पे नहीं है, ये ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज मेथड नंबर 6 इज सेट ट्रीटमेंट। सेट क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें शुगर केन के केस में, तो जो शुगर केन है उनको प्रोपोगेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेट्स। सेट्स क्या है, आप एक लंबा सा शुगर केन है, उनके नोड्स होते हैं, आप नोडल रीजन से उनको काट दीजिए, ठीक है, और एक एक ये जो अपने छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं वो कहलाते हैं सेट्स, और इन्हीं से हम शुगर केन को फिर क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, कह सकते हैं फिर प्रोपोगेट करते हैं। तो सेट ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ट्रीट दी शुगर केन सेट्स विद 0.05% ऑफ मेलाथियन फॉर 15 मिनट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्केल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ट्रीट दी शुगर केन सेट्स इन 0.05% ऑफ इमिडा क्लोरोपेड 70 WS एट द रेट ऑफ 175 ग्राम पर हेक्टेयर और 7 ग्राम पर लीटर डी फॉर 16 मिनट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द टर्माइट्स, मतलब टर्माइट से बचाने के लिए और स्केल से बचाने के लिए हम ये मेथड्स का मतलब सीड ट्रीट सेट ट्रीटमेंट जो है करते हैं। और यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शुगर केन सेट्स को हमने क्या किया है, एक सोल्यूशन में डीप किया हुआ है, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इमिडा क्लोरोपेड होगा या फिर मेलाथियन होगा, उसका स्पेशल कॉम्पोजिशन जो है परसेंटेज मैंने मेंशन कर ही दिया है, सो उसमें हम डीप करते हैं और फिर इनको ले जाके हम मतलब ट्रांसप्लांट या फिर हम डायरेक्ट फील्ड में लगा देते हैं, ठीक है, 15 to 16 मिनट्स के लिए। ओके, आई होप ये जो पॉइंट है दैट इज जो छठा मेथड है दैट इज द सेट ट्रीटमेंट, वो भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट मेथड अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा स्टेम इंजेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने ऐसा मेथड देखा नहीं होगा। बेसिकली स्टेम इंजेक्शन जो है इनसे कंट्रोल किया जाता है, लाइक ब्लैक हेडेड कैटरपिलर्स माइट, इनको कंट्रोल करने के लिए हम मतलब ये किस में लगता है, कोकोनट में लगता है, लाइक ब्लैक हेड कैटरपिलर्स और माइट इनको कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, ड्रिल ए डाउनवर्ड स्लैंटिंग होल ऑफ टू 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर टू अ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर एट अ लाइट ऑफ एट अ हाइट होना चाहिए एट अ हाइट ऑफ अबाउट 1.5 मीटर, ठीक है। कहने का मतलब हमें एक इतने डायमीटर का और इतने डेप्थ का प्लांट के ग्राउंड लेवल यानी जो ट्री का ग्राउंड लेवल है उससे इतना ऊंचा यानी 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हम एक होल बनाते हैं, स्लैंटिंग मतलब झुका हुआ, लाइक इस तरीके से। अगर ये ट्री ट्रंक है, एक मिनट,
अगर ये ट्री ट्रंक है तो ट्री ट्रंक में हम डायरेक्ट इस तरीके से सामने सामने से होल नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे स्लैंटिंग यानी इस तरीके का होल बनाते हैं, मतलब ये जो है यहाँ पे एक हम ऐसे होल बनाते हैं, ठीक है। सो इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें जो इसका डायमेंशन है मेंशन कर ही दिया है, इतना होल बनाना है, और इसमें इंजेक्ट करते हैं 5 ml ऑफ मोनो क्रोटोफॉस 36 WSC इनटू दिस स्टेम एंड प्लग द होल विद सीमेंट और क्ले मिक्स विद द फंगिसाइड, ठीक है। और उसको अल्टीमेटली जब इसको हम डाल देते हैं तो उसके बाद हम इसको क्ले के साथ में या फिर सीमेंट से इसको बंद कर देते हैं जो कि मिक्स होता है फंगिसाइड से, ठीक है। स्यूडो स्टेम इंजेक्शन ऑफ बनाना एंड इंजेक्टिंग गन और हाइड्रो डर्मिक सिरिंज इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ बनाना एफिड वेक्टर ऑफ बंची टॉप डिजीज। तो आप यहां से दो क्वेश्चन यहां पे बन जाता है, बंची टॉप ऑफ डिजीज कौन कॉज करता है, दैट इज बनाना एफिड, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि स्यूडो स्टेम इंजेक्शन हम यूज कर सकते हैं, इंजेक्टिंग गन यूज कर सकते हैं, हाइपोडर्मिक सिरिंज जो है उनका भी यूज किया जाता है स्टेम इंजेक्शन का जब हमें प्रोसेस यूज करना है उस टाइम पे, ठीक है। तो आई होप ये जो मेथड है आप अभी इमेज में भी देख रहे हो, बहुत सारे इंजेक्शन जो हैं थोड़े से स्लैंटिंग पोजिशन में और ट्रंक्स के अंदर यानी स्टेम के अंदर लगाए गए हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 8th नंबर इज पैडिंग, ठीक है। पैडिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, किन के लिए करते हैं, स्टेम बोरर्स ऑफ द मैंगो सिल्क कॉटन, ठीक है, एंड कैश्यूज कैन बी कंट्रोल बाय दिस मेथड। बार्क ऑफ द इन्फेस्टेड ट्री, ठीक है, इज रिमूव्ड ऑन द थ्री साइड्स लिविंग बॉटम एज फ्लैप, ठीक है। अगर आप देखो तो लेट सपोज दिस इज अ ट्री ट्रंक, ठीक है, तो ये इसके चार जो साइड्स है ना, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इन तीनों साइड से रिमूव कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, ठीक है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉटम ये जो नीचे साइड है इस पे हम फ्लैप छोड़ते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन इज प्लेस्ड इन द एक्सपोज्ड एरिया, यानी जो ओपन वाला हमने काट दिया तो ये पूरा ये क्या हो गया, ओपन हो गया, यहाँ पे फ्लैप है जिसको वापस से कवर कर सकते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। सो उसमें हम 5 से 10 ml ऑफ मोनो क्रोटोफॉस का यूज करते हैं, ठीक है, और उसको इंक फिलर से, मतलब बेसिकली इनके अंदर क्या करते हैं हम कॉटन में लगा के इनको लगा के और वापस इस फ्लैप को बंद कर देते हैं, ठीक है। और जब हमने फ्लैप बंद कर दिया तो फिर खुल ना जाए, उसीलिए हम इसको फिर से क्या करेंगे, कवर कर देंगे विद मिक्स्ड क्ले विद फंगिसाइड, इनसे हम इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड पैडिंग। और ये किन में करते हैं, मैंगो ट्रंक सिल्क कॉटन या फिर कैश्यूज में, तो इन क्रॉप्स के अंदर में इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है दैट इज स्वैबिंग, तो स्वैबिंग बेसिकली हम करते हैं कॉफी में। तो स्वैबिंग क्या है, कॉफी व्हाइट बोरर इज कंट्रोल बाय स्वैबिंग द ट्रंक एंड ब्रांचेस विद HCH BHC 1% सस्पेंशन, ठीक है। सो स्वैबिंग बेसिकली अगर मैं आपको बात बोलूं तो स्वैबिंग में हम क्या करते हैं, हमें ट्रीटमेंट बेसिकली करना है। आप स्वैबिंग मतलब आप समझते हो कि हम जैसे कहते हैं ना पोछा मारना, झाड़ू लगाना, वैसे हम क्या करते हैं, इसको हम 1% सस्पेंशन सॉल्यूशन बना के बेसिकली कॉफी जो बोरर है उनके स्टेम वगैरह पे हम क्या कर देते हैं, मतलब सॉरी जो हमारा कॉफी प्लांट है जहाँ पे व्हाइट बोरर लगते हैं उन पे हम वहाँ पे बस इसको नॉर्मली जैसे पोछा लगाना हुआ ना उसी तरीके से हम स्वैबिंग कर देते हैं। तो ये एक मेथड है जो हम कॉफी के साथ में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम मेथड नंबर 10th पे बात करें, दैट इज द रूट फीडिंग, ठीक है। नाम से ही लग रहा है कि इसमें हमें रूट को फीड करना है, ठीक है, रूट का ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रंक इंजेक्शन हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फिर स्टेम इंजेक्शन, तो उसमें क्या है, कोकोनट में हम कर रहे थे तो रिजल्ट इन वाउंडिंग ऑफ ट्रीज, ट्री जो है वाउंड हो जाते हैं, मतलब उनको घाव हो जाता है, छाले हो जाते हैं। रूट फीडिंग इज एन अल्टरनेटिव, यानी ये जो मेथड है ये अल्टरनेटिव है एंड सेफ केमिकल मेथड है कंट्रोल फॉर द ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, एरिफ्रॉइड माइट एंड रेड पॉम वीविल, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मोनोक्रोटोफॉस को, यानी मोनोक्रोटोफॉस 10 ml एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टेकन इन अ पॉलिथीन बैग एंड कट द एंड, ठीक है, मतलब स्लैंडली कट करते हैं 45 डिग्री पे ऑफ द ग्रोइंग रूट टिप, यानी अगर मान लो अभी मैं बताता हूँ आपको इमेज से भी, ठीक है। और हमें जब डल व्हाइट रूट दिखने लग जाए तो प्लेस इनसाइड द इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन एंड द बैग इज टाइड विद द रूट, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए ये एक ट्री ट्रंक है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, हम ये वाला जो रूट टिप है ना इसको यहाँ से कट करेंगे स्लैंटली, ठीक है, ताकि जो एरिया हो हमारे पास स्लैंट कटिंग पे एरिया क्या मिलता है, बड़ा मिलता है, ठीक है। तो हमें वहां पर स्लैंटली कट करना है, एक सॉल्यूशन बनाना है मोनोक्रोटोफॉस का 10 ml और 10 ml पानी लेना है,
यानी 20 ml का सोल्यूशन बनाया, और जो रूट का टिप है वहां पे इसको बांध देना है। तो आप इस इमेज में देख रहे हो हमने बेसिकली वही किया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रूट फीडिंग। द इंसेक्टिसाइड एब्जॉर्ब्ड बाय रूट एंटर्स द प्लांट सिस्टम एंड कंट्रोल द इंसेक्ट। आई होप जो रूट फीडिंग मेथड है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो सॉइल ड्रेंचिंग में क्या करते हैं, केमिकल जो ड्रेंचिंग मतलब क्या हो, भिंगो देना, ठीक है। तो केमिकल इज डाइल्यूटेड विद वाटर एंड दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू ड्रेंच द सॉइल टू कंट्रोल सर्टेन सबटेरेनियन पेस्ट। तो हम क्या करते हैं, वाटर के साथ में केमिकल का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको नॉर्मली सॉइल के ऊपर ड्रेंच कर देते हैं, सॉइल को भिंगो देते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे हमने BHC 50 WP को मिक्स किया है वाटर के साथ एट द रेट ऑफ 1 kg इन 65 liters ऑफ वाटर एंड ड्रेंच द सॉइल फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉटन या फिर स्टेम वीविल एंड ब्रिंजल। में अगर हम बात करें तो ब्रिंजल एस वीविल ग्रब्स को कंट्रोल करने के लिए जो सॉइल ड्रेंचिंग मेथड है वो यूज किया जाता है। तो ये मेथड बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ हमें करना नहीं होता, इसमें नॉर्मल सॉल्यूशन बना के हमें सॉइल पे डालना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैप्सूल ट्रीटमेंट या फिर कैप्सूल प्लेसमेंट, ठीक है। सो देखिए कैप्सूल क्या है, हम यहाँ पे जिलेटिन का कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं, जो नॉर्मल जो हमारे हम जो कैप्सूल्स दवा वगैरह खाते हैं तो उनके ऊपर भी जिलेटिन का वो मिलता है, मतलब कवर जो होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सिस्टमिक पॉइजन है, ठीक है, उनको हम कैप्सूल्स के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं टू गेट टॉक्सिक इफेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम के लिए क्यों कहा जा रहा है, जो जिलेटिन है ना वैसे तो अपने अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिलीज नहीं करेगा, जब वो पानी के साथ यानी जब वाटर अवेलेबल होगा सॉयल में, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे 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 करके जिलेटिन क्या कहते हैं हटता जाएगा, मतलब गलता जाएगा, और जो वो टॉक्सिक मटेरियल है जिलेटिन के अंदर में वो धीरे धीरे करके रिलीज होगा। तो ये जो मेथड है कैप्सूल प्लेसमेंट, ये लंबे समय तक के लिए यानी जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो लंबे समय तक दिखे उसलिए यूज किया जाता है। इन बनाना टू कंट्रोल बंची टॉप वेक्टर लाइक एफिड, अभी हमने जस्ट बात किया था, द इंसेक्टिसाइड इज फिल्ड विद जिलेटिन कैप्सूल्स एंड प्लेस्ड इन द क्राउन रीजन। तो ये जो है बनाना के क्राउन रीजन में इनको लगाया जाता है। आई होप जो कैप्सूल प्लेसमेंट मेथड है वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है बेटिंग मेथड, बेटिंग मतलब क्या, सिंपल कह सकते हैं कि इनको खाने के साथ मिला के जहर दे देना होता है, ठीक है। तो टॉक्सिकेंट इज मिक्स विद द बाइट मटेरियल, ठीक है, सो एज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट टुवर्ड्स द टॉक्सिकेंट, ठीक है। मतलब बाइट मतलब हमने चारा देना उनको, ठीक है, चारा के साथ उनको टॉक्सिकेंट मिला दिया और वहां पर इनको डायरेक्ट मार दिया, दैट इज कॉल्ड बेटिंग मेथड। और जो लास्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन। तो इसमें क्या है, फ्यूमिगेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनको सॉइल और लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है। इनको अप्लाई किया जाता है बहुत तरीके से, लाइक सॉइल में अगर हम बात करें तो टू कंट्रोल द नेमेटोड इन सॉइल द लिक्विड फ्यूमिगेंट्स आर इंजेक्टेड बाय यूजिंग इंजेक्टिंग गन, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, फ्यूमिगेशन हो गया, मैं एक बार सारे मेथड्स के बारे में बता देता हूँ। फ्यूमिगेशन हमने डिस्कस किया है, बेटिंग डिस्कस किया है, कैप्सूल प्लेसमेंट डिस्कस किया, सॉइल ड्रेंचिंग, ठीक है, रूट फीडिंग किया हमने डिस्कस, उसके बाद हमने स्वैबिंग किया था, पैडिंग किया, ठीक है, फिर स्टेम इंजेक्शन, उसके बाद हमने सेट ट्रीटमेंट, नेक्स्ट अगर हमने बात किया था सीडलिंग, रूट डिप, उसके बाद हमने डिस्कस किया था सीड ड्रेसिंग, उससे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रैनुलर एप्लीकेशन, उससे पहले स्प्रेइंग, उससे सबसे पहले जो हमने पढ़ा था दैट इज डस्टिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जिनको हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई भी मेथड में आपको लगता है कि आपको कुछ डिटेल जानना है तो आप जरूर मेरे से पूछिएगा, मैं आपको आंसर करने में बहुत खुश हूँगा। कमेंट सेक्शन में भी हम वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई डेडिकेटेड लेक्चर चाहिए तो मैं उस पर भी आपको लेक्चर बना के दे दूंगा। लेकिन अभी जो हमारा मेन पर्पस था आज के लेक्चर का, जितने ही मेथड्स हैं पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के उसको डिस्कस करना। आई होप गाइस आपको आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक कुछ सीखा है हमारे लेक्चर से तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो एक जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, आइडिया है फ्री एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर, इसको हम आगे बढ़ा पाएं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपको हमारे चैनल के लिए के अपडेट्स के बारे में जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ आप अगर इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिन सारी चीज़ों का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट को भी रीच आउट कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे ऐप का लिंक, इवन हमने सारी चीज़ें वहां पे भी इंटीग्रेट कर रखी है। जो हमारा वेबसाइट है दैट इज www.goforagriculture.co.in, मैंने यहाँ भी मैंशन किया है और सारी चीज़ों का जो लिंक है हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।